जय हिंद दोस्तों, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पे आप सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम आए हैं हैदराबाद के शानदार सी प्लेस में। आज आज़ादी का 75 साल पूरे कर चुके हैं और बहुत ही शानदार भव्य नज़ारा यहाँ पर दिखने वाला है। अब थोड़ी ही देर में हमारे झंडा उत्तोलन भी होगा और हम मिलेंगे बड़े भैया और सर से कुछ बातें भी करेंगे और इनको भी कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। जय हिंद सर। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर? थैंक यू, बहुत अच्छा कि आप लोग जो है दिल से और अपने जान से जो है देश की रक्षा कर रहे हैं और जो है यहाँ पे आप लोग आमंत्रित हुए हैं और यहाँ के जो सपोर्ट से जो हमारे मेंबर से जो सर से उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। कुछ नशा तिरंगे ज्ञान का है, कुछ नशा तिरंगे किसान का है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये पूरे हिंदुस्तान की शान का है। और आज आए हैं, बहुत ही शानदार भव्य नज़ारा दिख रहा है आप सभी लोगों को, बहुत ही शानदार आज़ादी के 75वें महोत्सव पे और बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी यहाँ पर, वेरी नाइस, बहुत ही वंडरफुल तैयारी यहाँ पर चल रहा है। लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी परेड वाला पहली बार अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आधा घंटा का समय में पूरा अभी झंडा लहराने का टाइम हो गया है। यस यस, थैंक यू सो मच। एक बार आप जाके आइए। उन्होंने देश को कुर्बान कर दिया, उनका नाम है भगत सिंह।
उनके लिए जोरदार तालियां। उस जमाने में मैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म का स्टॉक नहीं होने का कारण ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म वो आ जाएगा यार। हमारे कंपनी के ऑफिस सिक्योरिटी जो कि लेकिन उस ऑफिस के स्पेस उस अपार्टमेंट के स्पेस का सब सफाई करके रखने वाला कौन होता है? हाउसकीपिंग तो हाउसकीपिंग टीम लोगों के भी जोरदार तारीफ नहीं कर पाते हैं, लोग इतना बढ़ावा नहीं देते, लेकिन इन लोगों का देन है कि हम लोग आगे सब यहाँ पर जो ऊपर इन लोग सभी लोगों की तरफ से आप सभी लोग अपने लिए हम बुलाने जा रहे हैं मल्लू कुमार हमारे एक सुना पसंद करेंगे। एक्साइटेड जोश जुनून अपने अंदर है, हौसला एक बुलंद रहना चाहिए मेरे दोस्त। अरे अभी एक्साइटेड नहीं, इतने शानदार भाई ने इतने स्ट्रगल करके एक बेहतरीन सॉन्ग को प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने, तो इसमें आप लोगों ताली तो बनती है ना यार। मिस्टर रामाकृष्णा जी को इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज स्टेज पे आए। हॉल को पूरा घुसना चाहिए यार। Yes, yes. Happy Independence to all. Now I am inviting the Happy Independence. Happy Independence. हार्दिक स्वागत है आपका इस स्टेज पे, आमंत्रित किया और आपने आया, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज मिस्टर रुस्तम जी के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और प्लीज कम ऑन द स्टेज, अंदर जो बेहतरीन कला है उस कला को रिप्रेजेंटेटिव करिए। नजरिया दोनों को बदलिए और माइंडसेट एक थॉट एक अपने एक तरह लेकर आइए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में डिप्रेशन में ना जाइए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के लिए आता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आता है।
और कभी खुशी हो, कभी अच्छा हो, बेस्ट हो, तो ज़्यादा भी खुश नहीं है, कभी ईगो हॉट मत करिए, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकता। हर्षल काले जी, अगर आप रेडी हैं, हो चुके हैं, तो प्लीज़ स्टेज पर आइए, स्वागत है, और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को इन ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंटेटिव करिए। जी सर, थैंक यू। और चल में भी चल होगा।